नमस्कार, जय स्काई बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्षा पंवार और चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर में गुरुवार को महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर भर के शिवालयों में अनुष्ठान सहित पूजा अर्चना के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे पूर्व बुधवार रात्रि में शिवालयों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया। गुरुवार सुबह सूर्योदय के साथ ही शिव मंदिरों में पूजा अर्चना के कार्यक्रम शुरू हो गए। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दरबार में पूजा अर्चना करते हुए ओम नमः शिवाय तथा बम बम भोले के जय कारों से वातावरण गुंजायमान कर दिया। पूजा अर्चना के दौरान श्रद्धालुओं ने बेलपत्र, धतूरा, भांग, पुष्प आदि अर्पित कर अपने परिवार तथा देश की खुशहाली की कामना की गई। शिवरात्रि के मौके पर शहर के महादेव छत्री, सेंदा रोड स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ कॉलोनी स्थित सोमनाथ शिव मंदिर, साकेत नगर हाउसिंग बोर्ड स्थित साकेतेश्वर महादेव मंदिर सहित नीलकंठ महादेव तीर्थ स्थल पर दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के दयानगर स्थित सेवा केंद्र पर बीके ममता दीदी, बीके सौम्या दीदी, बीके उमा दीदी की उपस्थिति में शिवरात्रि पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में बीके ममता दीदी ने परमात्मा के महावाक्य सुनाए, जिसमें बताया कि कमजोर विचारों को परमात्मा को अर्पित कर स्वयं को स्वतंत्र बनना है। दीदी ने शिवरात्रि का महत्व बताते हुए बताया कि परमात्मा शिव कलयुगी रूपी रात्रि में अवतरित हो चुके हैं, जिसके चलते शिवरात्रि मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि हमें विकारों रूपी कमजोर को शिव पर चढ़ाना है। इस दौरान सेवा केंद्र के सभी भाई बहनों ने केक काटा, ध्वज फहरा तथा शिव ध्वज के नीचे खड़ी होकर सभी ने हर परिस्थिति में खुश रहने, दूसरों को दुख ना देने और कारण स्वरूप ना बन समाधान स्वरूप बनने का प्रण लिया। कार्यक्रम में बीके राजेंद्र प्रसाद, ताराचंद जी, कमलेश जी, रमेश चंद, यशपाल, शकुंतला जी, दयाल, रुकमा सहित अन्य उपस्थित थे। महाशिवरात्रि महापर्व के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चित्तौड़ प्रांत के सभी घोष केंद्रों पर घोष संचलन का आयोजन किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर ब्यावर में भी घोष संचलन निकाला गया। गुरुवार को शहर में निकाला गया घोष संचलन सामान्य संचलन से अलग था। नगर संघ चालक बनवारी लाल पारी के अनुसार गुरुवार को सभी घोष वादक पूर्ण गणवेश में सुबह गिब्सन हॉस्टल पर एकत्रित हुए। गिब्सन हॉस्टल पर रचना बनने के बाद घोष वाहिनी बिना वादन किए नेहरू गेट स्थित मुंह बोले महादेव मंदिर पहुंचे, पर संपत करने के पश्चात ठीक 10:30 बजे घोष संचलन प्रारंभ हुआ। मुंह बोले महादेव मंदिर से शुरू हुआ घोष संचलन कदम से कदम मिलाते हुए माल्यान चौपड़, तेलियान चौपड़, महादेव जी के छत्री, अजमेरी गेट, भगत चौराहा, नगर परिषद, डिगी महादेव मंदिर, झूलेलाल मंदिर, महेश्वरी भवन, चमन चौराहा होते हुए पुनः गिब्सन हॉस्टल पहुंचकर संपन्न हुआ। घोष संचलन के दौरान संचलन मार्ग में आने वाले मुंह बोले महादेव मंदिर, महादेव जी की छत्री और डिगी महादेव मंदिर पर रुककर स्वयंसेवकों ने 5 मिनट तक खड़े रहकर घोष वादन किया, जिसे देखने के लिए जनसमूह उमड़ पड़ा। क्रम संचलन का मार्ग में जगह जगह शहरवासियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। घोष संचलन के दौरान घोष की आवाज पर स्वयंसेवकों के कदम बढ़ते हुए चलकर अनुशासन का परिचय दे रहे थे। घोषवादकों ने तिल कामोद, केदार, मेवाड़, अजय, शिवरंजनी सहित 13 से अधिक घोष रचनाओं का वादन कर नगर वासियों को रोमांचित कर दिया। आनक दल के पीछे प्रथम घोष वाहिनी में वंशी दल और द्वितीय घोष वाहिनी में शंख दल सम्मिलित हुआ। गुरुवार को महाशिवरात्रि पर्व के मौके पर निकाले गए घोष संचलन के दौरान सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए थे। संचलन के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी चल रहे थे। साथ ही CEO हीरालाल सिन्हा तथा सिटी थाना संजय शर्मा भी संचलन मार्ग पर सुरक्षा की दृष्टि से नजर बनाए हुए थे। मालूम हो कि गुरुवार को निकाला गया घोष संचलन सामान्य संचलन से अलग था। सामान्य संचलन में सभी स्वयंसेवक दंड लेकर सहभागी बनते हैं, जबकि घोष संचलन में स्वयंसेवक अपने वाद्य वादन के साथ संचलन करते हैं। अजमेरी गेट रामद्वारा में शिवरात्रि के मौके पर आयोजित विशेष सत्संग में धर्म सभा को संबोधित करते हुए संत गोपालराम महाराज ने कहा कि शिवलिंग का स्तंभ ब्रह्मा तथा विष्णु के मध्य प्रकट हुआ है, जो पूर्ण संपूर्ण संसार के लिए पूजनीय है। संत ने कहा कि मृत्यु लोक के प्राणियों के लिए शिव पूजन का विशेष महत्व है। जो कोई भी शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, बेलगिरी, कमल पुष्प, दूध, दही, शहद, पंचामृत से स्नान करवाता है, वह मानसिक दुख और आवागमन के चक्कर से बच जाता है। महाशिवरात्रि के दिन रात्रि में शिव पूजा करना एक प्रकार का महाव्रत है, इसलिए इसका नाम महाशिवरात्रि पड़ा। जो जीव शिवरात्रि में भगवान शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करता है, वह सहस्त्र वर्षों तक शिव कृपा प्राप्त करता है। महाशिवरात्रि के दिन शिव की पूजा करके रात्रि जागरण करना चाहिए। संत ने बताया कि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने भवानी और शंकर को श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप कहा है। एक ओर शिव गहन साधना तप साधन के देवता है, तो दूसरी ओर अनूठे दाम्पत्य प्रेम के, अनुपम प्रणय के, प्रेम सद्भाव और समाज कल्याण
ज्ञान के संत गोपाल राम ने कहा कि शिव का प्रेम सरल व सहज है, उसमें समर्पण के साथ सम्मान भी है। शिव प्रथम पुरुष है, फिर भी उनके किसी स्वरूप में पुरुषोचित अहंकार ईगो नहीं झलकता। कार्यक्रम के दौरान रामद्वारा के संत केवल राम महाराज ने शिव चालीसा का पाठ किया, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं भजन सुनाया और कहा कि शिव पूजा करते समय त्रिपुंड लगाना जरूरी है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में महिला तथा पुरुष श्रद्धालु उपस्थित थे। निकटवर्ती ग्राम बर तहसील रायपुर जिला पालीहाल मुकाम चंद्रा रोड निवासी सुनील पुत्र मुन्ना राम बागड़ी ने उसके भाई अशोक बागड़ी का अपहरण कर मारपीट करने तथा मोबाइल छीन लेने का आरोप लगाने में शिकायत दी है। पुलिस को दी गई शिकायत में प्रार्थी ने कुछ लोगों को नामजद किया है। सिटी थाना पुलिस को दी गई शिकायत में सुनील बागड़ी ने बताया कि बुधवार शाम को अशोक बागड़ी के साले राजू पुत्र दौलतराज साकला ने फोन कर उसे रेलवे स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया था। साले के बुलावे पर अशोक रेलवे स्टेशन पर पहुंचा था। पीड़ित ने बताया कि इस दौरान मौके पर पहले से ही खड़े राजू साखला, कैलाश पुत्र पांचू तथा राहुल ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कमलेश सेन पुत्र कैलाश सेन, विक्की सेन, अक्षय साखला, मुकेश वैष्णव, शाबिर खान तथा यूसुफ विवाह पर आ गए और उन सभी ने मिलकर अशोक का मोबाइल छीन लिया तथा फिल्म स्टाइल में राजू कैलाश तथा राजू माली ने लोहे की रोड तथा लकड़ियों से मारपीट करते हुए अशोक को बाइक पर बैठा कर उसका अपहरण कर उसे मसूदा रोड स्थित प्रभु की बगिया ले गए तथा वहां ले गए और उसे उसके साथ गंभीर रूप से मारपीट करते हुए उसे घायल कर दिया। मारपीट के दौरान आरोपियों ने अशोक के जेब में रखी 25,000 रुपए की नकदी तथा गले में पहनी सोने की चेन भी छीन ले गए। साथ ही जाते जाते मौका मिलने पर जान से मारने की धमकी दे गए। मारपीट की घटना में अशोक के शरीर पर गंभीर चोटें आई है। शिकायत में बताया गया कि वर्तमान में अशोक जन्म मृत्यु के बीच राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में उपचाररत है। पीड़ित सुनील ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय में राज्य सरकार चिकित्सा विभाग के निर्देशानुसार इस वर्ष 7 से 13 मार्च तक मनाए जा रहे विश्व काला पानी सप्ताह के तहत प्रतिदिन चिकित्सालय में नेत्र रोग से संबंधित रोगियों की जांच की जा रही है। अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में वरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर मंजू गगरानी रोगियों की आंखों की जाँच करते हुए उन्हें आवश्यक उपचार तथा परामर्श उपलब्ध करवा रही है। डॉक्टर गगरानी ने बताया कि अब तक कुल 95 रोगियों की आंखों की जाँच की गई, जिसमें 4 मरीजों में काले पानी की शिकायत पाई गई। उन्होंने बताया कि सप्ताह के तहत प्रतिदिन 40 वर्ष से अधिक उम्र के रोगियों की आंखों की जांच की जाकर उन्हें परामर्श व उपचार दिया जा रहा है। सप्ताह के दौरान जांच कार्य में नेत्र रोग विभाग के नेत्र चिकित्सा सहायक गोपाल दौलिया, सहायक सुनीता स्वामी तथा नर्सिंग स्टाफ दीप्ति भीलवाल आदि ने अपनी सेवाएं दी है। 7 मार्च से 13 मार्च तक मनाया जा रहा है। यह हर साल मार्च के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। ग्लॉकोमा एक प्रकार की बीमारी है जो आंख में प्रेशर बढ़ने के कारण होती है। इसमें आंख की नस पर प्रेशर पड़ने के कारण धीरे धीरे बहुत डैमेज होती जाती है, जिससे हमें जो देखते हैं चीज़ वो धुंधली दिखाई देती है। कई बार इसके लक्षण हमें पता नहीं पड़ते और धीरे धीरे आंख की रोशनी कम होती जाती है और मरीज को पूरा दिखना बंद हो जाता है। जिन लोगों के फैमिली हिस्ट्री होती है उन लोगों को 40 साल की उम्र के बाद, और लगभग सभी लोगों को 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार अपने टेंशन की मतलब ग्लॉकोमा की जाँच जरूर करानी चाहिए, क्योंकि यदि एक बार ग्लॉकोमा से आंख की रोशनी कम हो गई तो वह उसको वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। यदि प्रारंभिक स्टेज में हमें इस बीमारी का पता लगता है तो डॉक्टर की सलाह से हम उचित उपचार करें तो हम आंखों की रोशनी को बचा सकते हैं और अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। इस बार का स्लोगन है सेव द साइट वर्ल्ड इज ब्राइट। यदि हमारी आँख सुरक्षित है हम तो इस सुंदर संसार को देख सकते हैं। आमतौर पर साधारण फसल उगाने के लिए की जाने वाली खेती किसानी में भी अब नवाचार होने लगे हैं। खेती में रुचि रखने वाले युवा अब खेती को उपयोगी, लाभकारी तथा औषधीय बनाने में जुटे हैं। खेती की और कृषि की ओर अपना रुझान रखने वाले युवा अब खेती को व्यवसाय के रूप में देखने लगे हैं, ताकि खेती को रोजगार का साधन बना सके। इसी धारणा को लेकर शहर के निकटवर्ती ग्राम मेड़िया के एक काश्तकार नेमीचंद विजेंद्र दग्धी ने नवाचार के तहत काले गेहूं की खेती शुरू की है। नवाचार के तहत काश्तकार दग्धी ने फिलहाल 1 बीघा भूमि पर ही काले गेहूं की खेती शुरू की है। काश्तकार नेमीचंद ने बताया कि उन्हें जब काले गेहूं की खेती के बारे में उन्हें जानकारी मिली तो उन्होंने भी इसकी खेती करने का विचार करते हुए खेती शुरू कर दी। नेमीचंद दग्धी ने बताया कि राजस्थान में आमतौर पर गेहूं की 1482 व 3077 किस्म की पैदावार होती है, परंतु उन्होंने ब्यावर क्षेत्र में नया प्रयोग करते हुए काले गेहूं की खेती शुरू की है। उन्होंने बताया कि काला गेहूं बाजार में आमतौर पर बिकने वाले गेहूं से 4 से 5 गुना ज्यादा कीमत पर बिकता है। इसी कारण काश्तकार
किसान अब काले गेहूं की खेती करने में रुचि दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्यावर क्षेत्र में उनके अलावा एक दो अन्य काश्तकारों ने भी काले गेहूं की खेती करने की शुरुआत की है। गौरतलब है कि कुछ सालों पूर्व काले गेहूं की इस नई किस्म को पंजाब के मोहाली स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट या नाभी ने विकसित किया था। नाभी के पास इसका पैटेंट भी है। इस गेहूं की खास बात यह है कि इसका रंग काला है। मालूम हो कि गेहूं की किस्म 1482 व 3077 की एक बीघा में 0.8 क्विंटल पैदावार होती है। वही काला गेहूं एक बीघा में 20 क्विंटल की पैदावार होती है। बाजार में यही काला गेहूं 7000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिकता है, जो काश्तकार के लिए काफी फायदे का सौदा रखता है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में काले गेहूं की खेती को और अधिक हिस्से में लगाने पर विचार कर रहे हैं। काले गेहूं की बालियां भी आमतौर पर उपयोग में लिए जाने वाले गेहूं से ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए इनकी पैदावार भी ज्यादा होती है। काश्तकार दग्दी के अनुसार काले गेहूं में पाए जाने वाला एंथोसाइनिन एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट व एंटीबायोटिक है, जो हार्ट अटैक, कैंसर, शुगर, मानसिक तनाव, घुटनों का दर्द, एनीमिया जैसे रोगों में काफी कारगर सिद्ध होता है। काले गेहूं रंग व स्वाद में सामान्य गेहूं से थोड़ा अलग होते हैं, लेकिन बेहद पौष्टिक होते हैं। फलों, सब्जियों और अनाजों के रंग उनमें मौजूद प्लांट पिगमेंट या रंजक कणों की मात्रा पर निर्भर होते हैं। काले गेहूं में एंथोसाइनिन नाम के पिगमेंट होते हैं। एंथोसाइनिन की अधिकता से फलों, सब्जियों, अनाजों का रंग नीला, बैंगनी या काला हो जाता है। एंथोसाइनिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट भी है, इसी वजह से यह सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आम गेहूं में एंथोसाइनिन महज 5 ppm होता है, लेकिन काले गेहूं में यह 140 ppm के आसपास होता है। एंथोसाइनिन के अलावा काले गेहूं में जिंक और आयरन की मात्रा में भी अंतर होता है। काले गेहूं में आम गेहूं की तुलना में 60% आयरन ज्यादा होता है। काश्तकार नेमीचंद विजेंद्र दग्धी ने बताया कि वह अपने खेत की फसलों के लिए वह पूरी तरह से जैविक खाद का ही प्रयोग करते हैं। अपनी उपज के लिए वह किसी भी प्रकार के रासायनिक खादों का उपयोग नहीं करते हैं। रासायनिक खादों के कारण उन्हें होने वाले दुष्प्रभावों के चलते वह पूरी तरह से जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं। ये काला गेहूँ हमने हरियाणा पंजाब से सुपर निपर का बीज लेने के गए थे। सुपर निपर फोर्ट जी बुलेट घास होती है, इसका बीज हमारा हमने काला बीज देखा गेहूँ का, तो फिर हमने भी वहाँ से ऑर्डर करवा के एक बीघे का बीज मंगवाया काला गेहूँ। और ये दूसरे गेहूँ से तो मतलब डबल पैदा होती है। दूसरे गेहूँ बीघे के 15 मण 20 मण होते हैं, ये काले गेहूँ एक बीघे के अंदर 30 मण 35 मण 40 मण तक हो जाते हैं। और खाने में बहुत स्वाद है। हमने बीज लाया, 2 किलो पिसा के रोटी वोटी बना के फिर खाई तो बहुत स्वाद लगी, तो इसलिए हमने भी एक बीघे के अंदर ये लगाया। और आसपास के किसान लोग सब देखने के लिए आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं बीज हमको भी दो आपकी, और हम इसके बीज आपकी सब किसानों को सप्लाई करेंगे। और ये कम से कम 70-80 रुपये किलो बीज बिकता है इसका। खाने में बहुत स्वादिष्ट है और मुलायम, और डायबिटीज जैसे कोई मरीज आदमी के कोई भी मतलब खावे तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सब बीमारी दूर करती है। इसके अंदर नाइट्रोजन वगैरह जो भी प्रोटीन है सब चीज़ है इसके अंदर। राजस्थान ब्राह्मण महासभा ब्यावर द्वारा महिला दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन के अवसर पर जिलाध्यक्ष उषा शर्मा ने शहर के प्रतिभावान महिलाओं के घर घर जाकर सम्मान किया। सम्मान के दौरान अतिथियों ने अपने उद्बोधन में महिलाओं को समाज की धुरी बताते हुए कहा कि मातृशक्ति महिलाएं विभिन्न पारिवारिक व सामाजिक दायित्व को बखूबी निभाती है। इस दौरान विभिन्न प्रतिभाओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर व्याख्याता लता शर्मा, समाज सेविका व अध्यापिका निशा पाराशर, पार्षद प्रीति शर्मा, मंजू शर्मा, प्रधानाध्यापक मालती शर्मा, पूर्व चेयरमैन शांति डाबला तथा समाज सेविका लक्ष्मी भारद्वाज, डॉक्टर प्रिय नंदवाना तथा समाज सेविका मीना उपाध्याय का माला व दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। साथ ही स्मृति चिन्ह देते हुए मुंह मीठा करवाया गया। सम्मान के दौरान लक्ष्मी भारद्वाज, निशा पाराशर, लता शर्मा तथा मंजू शर्मा, जिला अध्यक्ष उषा शर्मा का माला पहनाकर उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए दुपट्टा उड़ाकर तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में शहर की गणमान्य महिलाएं उपस्थित थी। श्री फाउंडेशन ट्रस्ट सी सीमेंट लिमिटेड राज की ओर से क्षेत्र में सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न परियोजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास के साथ आधारभूत ढांचा का निर्माण भी प्रमुख है। इस क्रम में कंपनी की ओर से ग्राम पंचायत बूटीवास उप स्वास्थ्य केंद्र का नवनिर्माण कर विधिवत रूप से प्रभारी डॉक्टर शिवराज की उपस्थिति में कंपनी पदाधिकारियों द्वारा उद्घाटन कर उन्हें सुपुर्द किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम में कंपनी के चिकित्सा विभाग के महाप्रबंधक डॉक्टर आर के शर्मा, अतिरिक्त महाप्रबंधक संजय भंडारी, प्रबंधक विशाल जायसवाल, स्थानीय पीईओ श्रीमती सरस्वती वर्मा, पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी गौरधन लाल सुथार, नर्स श्रीमती
शीला, सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी नयन सिंह रावत आदि उपस्थित थे। इसी के साथ राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्री स्वच्छता परियोजना के अंतर्गत स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें श्री स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन कर वितरित किए गए, साथ ही 30 डस्टबिन भी वितरित किए गए। समारोह में श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित बेटी बचाओ परियोजना में बीपीएल परिवार की बालिका के जन्म पर 5,000 रुपए की FD बालिका के नाम की जा रही है, जिसके तहत 4 परिवारों को 20,000 रुपए की FD सुपुर्द की गई। समारोह में डॉक्टर आर के शर्मा ने स्वच्छता कैलेंडर का विमोचन कर स्वच्छता की अलग जगाते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने क्षेत्र को स्वच्छ रखे तथा स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए सभी विद्यार्थियों को शपथ दिलवाई एवं जिन छात्रों के घर में शौचालय नहीं है उन्हें शौचालय निर्माण के लिए प्रेरित किया। समारोह में विशाल जायसवाल ने श्री फाउंडेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी परियोजनाओं से अवगत कराते हुए कहा कि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेवे तथा श्री स्वच्छता परियोजना भी मुख्य है, जिसके तहत आज स्वच्छता कैलेंडर एवं डस्टबिन वितरण किए जा रहे हैं, जिसका समुचित उपयोग हो तथा बच्चों से विशेष आग्रह किया कि कचरा डस्टबिन में डालने की आदत बनाएं, फिर घर पर भी कचरा पात्र का उपयोग करें। कार्यक्रम में कंपनी के रोहित कुमार शर्मा, मुजफ्फर अली, गुमान सिंह राव, सुखदेव कुमावत, प्रकाश शर्मा तथा एवं PO राज क्षेत्र के सभी राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। रेलवे सही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर सर्विस के तहत रेल लाइन को पार करने के लिए रेलवे अंडरपास का निर्माण करवाया गया है, लेकिन अधिकांश आरओबी जमीनी सतह के समानांतर होने के कारण तथा वर्षा ऋतु में उनमें पानी भरने की समस्या आम बात है। ब्यावर सहित आसपास जितने भी आरओबी बनाए गए हैं उनमें यह समस्या आम सी है। वही कई बार इन आरओबी में भरे पानी ने कई जिंदगियों को काल का ग्रास बना दिया है, जिसके चलते अब आरओबी को कवर करके पानी भराव की समस्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है। योजना के तहत DFCC की ओर से यह कवायद की जा रही है, जिसके तहत DFCC की ओर से बने आरयूबी पर टीन शेड लगवाए जा रहे हैं, जिससे बरसात का पानी उनमें नहीं भरे। जहां DFCC ने अपनी ओर से आरयूबी को कवर करना शुरू कर दिया है, वहीं DFCC एवं रेल की लाइन के मध्य छोटे हिस्से को भी कवर किया जा रहा है, जिसके तहत एक तरह से डोम का निर्माण करवाया जा रहा है, जिससे कि आरयूबी में पानी भरने से रोका जा सके। DFCC की ओर से वर्तमान में बांगर ग्राम आरयूबी नंबर 23, सरमालिया 22 सहित सेंद्रा, लालपुरा एवं खरवा आरयूबी पर टीन शेड का निर्माण करवाया जा रहा है। DFCC के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर किशोर कुमार ने बताया कि वर्तमान में चल रहे कार्य पूर्ण होने के बाद शेष पर आरयूबी को भी कवर करवाने का कार्य किया जाएगा, जिससे कि इस समस्या का समाधान हो सके। फाल्गुन का महीना आते ही तन मन में मस्ती छा जाती है। यह महीना फाल्गुन के रसिया भगवान श्री कृष्ण का महीना माना जाता है, इसलिए इस महीने में फाग उत्सव की धूम रहती है। कुछ ऐसे ही धूम गुरुवार को शहर के फतेहपुरिया चौपड़ चौराहा स्थित श्री श्याम मंदिर में फाग उत्सव के दौरान नजर आई। श्री श्याम मंदिर में शिवरात्रि महापर्व के दौरान राधे कृष्णा मंडल की महिला कलाकारों कविता शर्मा, सुनीता यादव, सुलता शर्मा व अन्य ने शिव बाबा के दरबार में एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित सभी को सरोबार कर दिया। एडवोकेट सुनील कौशिक परिवार की ओर से आयोजित फागोत्सव के दौरान बाबा शिव के दरबार को आकर्षक रूप से सजाया गया। फागोत्सव के दौरान प्रस्तुत किए गए भजनों पर भावभोर श्रोताओं ने बाबा भोलेनाथ के दरबार में जमकर नृत्य करते हुए खुशियां बटोरी। दोपहर बाद से शुरू हुए कार्यक्रम के तहत देर शाम तक भजनों की मस्ती जारी रही। इस दौरान पंडित मनोज शर्मा, कविता, सुनीता, मोनिका, अनिता, पूंजा तथा पिंकी सहित अन्य श्रोता उपस्थित थे। इससे पूर्व सुबह मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान काल की पूजा अर्चना की और भक्त जनों ने बाबा का जलाभिषेक कर आशीर्वाद प्राप्त किया। महाशिवरात्रि के मौके पर शहर के विभिन्न शिव मंदिरों के साथ साथ अन्य मंदिरों में पूजा अर्चना के विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में मुक्तिधाम स्थित महाकाली मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें पंडितों द्वारा मंत्रों के साथ हवन में आहुतियां दी गई। महायज्ञ के दौरान सभी भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। महंत अर्जुन गिरी ने बताया कि यह सभी कार्यक्रम गणपति मंदिर के गुरु फतेहगिरी महाराज के आशीर्वाद से संपादित हुए। महंत ने बताया कि गुरु बिना ज्ञान हवन तथा पूजा संभव नहीं है। हवन कार्यक्रम में राघुगिरी, बसंतगिरी, विनोदगिरी, गणेश भारती, रामपुरी तथा हरिगिरी महाराज आदि उपस्थित थे। सिद्ध महाकाली के मंदिर में भगवान शिव का रुद्र महायज्ञ आयोजन किया गया है। अतः सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि सूर्यास्त होने तक यज्ञ चलता रहेगा। सभी श्रद्धालुओं अपने जोड़ों के समेत आकर भगवान के लिए आहुतियाँ अर्पण करें और अपना तन मन धन को आगे बढ़ाएं और सुख शांति को प्राप्त करें। शाम को भंडारा है और शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कीर्तन का प्रोग्राम है। जो श्रद्धालुओं से मेरा यही है कि आइए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में रखकर तन मन धन से सेवा करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
इसी प्रकार नंदनगर स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम ब्यावर में शिवरात्रि महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर भगवान शंकर की आकर्षक झांकी सजाई गई। शिवरात्रि पर्व के दौरान नित्य नियम आश्वंदी गुरु महाराज की आरतियां की गई। संत शंभुलाल साई ने बताया कि सुबह भगवान भोलेनाथ का महारुद्राभिषेक किया गया, जिसमें पंचामृत से शिव जी का अभिषेक किया गया एवं शिव महिमा सत्संग आरती कर शिव वंदना की गई। प्रेम प्रकाश आश्रम के प्रचार प्रमुख नरेंद्र जयसवानी ने बताया कि इस अवसर पर ठंडाई में प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान उद्धव दास गुरनानी, नानक राम पारवानी, रामचंद्र भोजवानी, सुंदर वासवानी, भगवान डेटानी, भगवान सेवानी, भगवान दरियानी, पवन राजवानी तथा हरीश लालवानी सहित प्रेम प्रकाश नवयुवक मंडल के गणमान्य बंधु उपस्थित थे। आर्य समाज ब्यावर की ओर से गुरुवार को महर्षि दयानंद बोध दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम संचालन अभयदेव आर्य ने बताया कि इस अवसर पर आर्य समाज की ओर से विष्णुदेव आर्य के सानिध्य में विशेष यज्ञ का आयोजन किया गया। यज्ञ के यजमान आर्य समाज प्रधान ओम प्रकाश नवाल, उप प्रधान सीताराम चौहान, मंत्री भूदेव आर्य तथा पुस्तकालय अध्यक्ष कैलाश आर्य रहे। सभी यजमानों ने सपत्नीक वैदिक मंत्रों से यज्ञ में आहुतियां दी। यज्ञ के पश्चात ऋषि भजनों के कार्यक्रम हुए, जिसमें महेश मालू, अभयदेव आभादू तथा ब्रजेश मालू ने देखो स्वामी दयानंद क्या कर गया, गुलशन हिंद को फिर हरा कर गया, वेदों की राही दयानंद स्वामी, तेरा जग में आना गजब हो गया तथा धन्य है तुझको ए ऋषि, तूने हमें जगा दिया आदि भजन प्रस्तुत किए गए। उद्बोधन कार्यक्रम में डॉक्टर लक्ष्मी तोषनीवाल ने ऋषि दयानंद के बोध दिवस पर अपने विचार रखते हुए कहा कि ऋषि जब बाल्यकाल में पिता के साथ शिव मंदिर में जागरण के लिए बैठे थे, तब रात्रि में धीरे धीरे सभी सो गए, लेकिन दयानंद नहीं सोए। इस दौरान उसने जब शिवलिंग पर चूहों को चढ़ते उतरते तथा प्रसाद को खाते देखा, तो में ऐसा सवाल उठा कि यह सच्चा शिव नहीं हो सकता जो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। इसी सवाल की खोज में बालक ने चुपचाप अपना घर त्याग दिया और निकल पड़े सत्य की खोज में। वही बालक आगे चलकर महर्षि दयानंद सरस्वती कहलाए। उस महान समाज सुधारक ने समाज व्याप्त अंधविश्वास, पाखंड, कुरूतियों तथा सती प्रथा जैसी अनेक बुराइयों का जमकर विरोध किया। बोध दिवस पर ओम प्रकाश नवाल, विष्णुदेव, सुखदेव, भूदेव आर्य, रामेश्वर भूतरा, वेद प्रकाश आर्य, महेश मालू, इंद्रदेव, संजय बाहेती, ब्रजेश मालू, विजय काबरा, वैभव तोषनीवाल, मुन्नी देवी नवाल, शारदा, तारा आभा, मीना धूत, सावित्री देवी तथा डॉक्टर सुलक्ष्मी सहित अनेक आर्य सभासद उपस्थित थे। जवाजा के गांवों को बिसलपुर का पानी पहुंचाने के लिए चल रही परियोजना के तहत गणेशपुरा पंचायत में एक GLR का निर्माण अधूरा रुका हुआ है। इसके ऊपर से गुजर रही एक हाईटेंशन लाइन कार्य में बाधा बनी हुई है, जो कि वर्तमान में डिस्चार्ज है। जानकारी के अनुसार गणेशपुरा पंचायत के गणेशपुरा गाँव में 40 KL क्षमता की GLR का निर्माण करवाया जाना है, जिसके लिए पंचायत प्रशासन की ओर से उपलब्ध करवाई गई जगह पर विभाग की ओर से मौके पर निर्माण शुरू कर दिया गया। कार्य पूर्ण होने से पूर्व ग्रामीणों ने तर्क देते हुए कार्य को बंद करवा दिया कि ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन से करंट आएगा, जबकि उक्त लाइन वर्तमान में बंद है। मामले का विशेष पहलू यह है कि मौके पर ऊपर से गुजर रही लाइन को देखते हुए प्रोजेक्ट का कार्य कर रही फर्म ने उक्त GLR की छत का डिजाइन परिवर्तन कर दिया, जिससे टैंक की ऊंचाई कम हो जाएगी, तारों तक नहीं पहुंच पाएगी। ठेकेदार फर्म के प्रतिनिधियों ने बताया कि उक्त स्थान पर बनने वाली GLR पर छत शंकुनुमा के बजाय सीधी डाली जाएगी, जिससे ऊपर से गुजर रही लाइनों से प्रभाव नहीं पड़े। वही विभाग की ओर से लाइन की ऊंचाई बड़े पोल लगाकर बढ़ाई जा सकती है। विभागीय प्रतिनिधियों का कहना है कि 40 KL क्षमता की बनने वाली टंकी में 24 घंटे पानी उपलब्ध रहेगा, जिससे ग्रामीणों को सुविधा मिलेगी। मामले में गणेशपुरा सरपंच नीला देवी सुरमाराम ने बताया कि मामले में संबंधित विभागीय अधिकारियों से बात करके जल्द ही सकारात्मक प्रयास किए जाएंगे, जिससे टंकी निर्माण का कार्य पूर्ण हो सके और ग्रामीणों को सुविधा मिल सके। ये यहाँ पे गणेशपुरा की जो है यहाँ पे टंकी GLR बनी हुई है, इसमें क्या है कि लाइन की वजह से इसमें यहाँ पे फ्लैट डोम का प्रोविजन दे दिया हमने, मगर ये अभी लाइन की वजह से गांव वालों ने कुछ नहीं कि भाई ये लाइन हटे तो ये काम करो, नहीं तो ये नहीं कर पा रहे, इसलिए ये काम रोक दिया है। तो उस वजह से कभी ये लाइन तो वैसे AVNL से मालूम कर लिया कि 5 साल से डेड पड़ी है, मगर अभी फ्लैट डोम हो जाएगा तो उसके बाद में गणेशपुरा को पानी मिल जाएगा। बाकी काम हमारा इधर का करीब पूरा हो चुका है। गुरुवार को आगरा के गोवर्धन स्पोर्ट स्टेडियम पर 33वीं राष्ट्रीय रस्साकसी प्रतियोगिता 2020-21 जूनियर U19 का आयोजन किया गया। आगरा में आयोजित इस प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम ने दमखम दिखाते हुए तीसरा स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त करने पर टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। प्रतियोगिता में राजस्थान की टीम में सीमा रावत ने कोच की भूमिका निभाई तथा टीम का मनोबल बढ़ाते हुए टीम को तीसरा स्थान दिलाने में कामयाब हुई। टीम में ब्यावर से सलोनी संगी, करक चौहान, शीतल संगी ने भाग लेकर टीम को कांस्य पदक दिलाकर
बनाकर ब्यावर में प्रदेश का नाम रोशन किया है। आज के सुब्रटिन में फिलहाल इतना ही, पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे, नमस्कार। हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया महाशिवरात्रि पर्व, भगवान भोले के जयकारों से गूंजे शिवालय। महाशिवरात्रि पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निकाला घोष संचलन, शहरवासियों ने पुष्प वर्षा से किया घोष संचलन का स्वागत। श्याम मंदिर में महाशिवरात्रि के मौके पर फागोत्सव का आयोजन, भोले के दरबार में भजन की प्रस्तुतियों पर झूमते रहे श्रोतागण। और आरयूबी में बरसाती पानी भरने से रोकने का प्रयास, डीडीएफसी की ओर से लगवाए जा रहे हैं टीन शेड।